एक जिसे कहते हैं ना कि इंडिया एक ग्लोबल होराइजन में अपना इम्पैक्ट डाल रहा है। ऑब्वियसली दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि उसको हम पाकिस्तान स्पेस एक इमर्जिंग एरिया है जहाँ पे लीडरशिप की बहुत ज़रूरत है। तो और इंडिया वो लीडरशिप आपने देखा होगा, चाहे वो हाइड्रोजन में हो, क्लाइमेट में, कुछ हद तक सोलर में, तो सोलर अलायंस जिसे इंडिया लीड करता है। तो इंडिया अब कुछ सालों से कई क्षेत्रों में अब अपना लीडरशिप दिखा रहा है, अपने वेस्टर्न पार्टनर्स के साथ वो अपना ट्रेड बढ़ा रहा है, ट्रेड कोऑपरेशन बढ़ा रहा है, चाहे वो US हो, UK हो, फ्रांस हो, इसराइल हो। और पिछले कुछ सालों में इंडिया ने ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है डिफेंस में, ये शब्द कई और ये दर्जा कई 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 नेशंस के साथ किया है। देखेंगे UAE के FTA में जो अभी हुआ, 90% तक जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें टैरिफ्स अब जीरो हो चुके हैं, जिससे कि, और ये दोनों ही कंट्रीज को हेल्प करता है। तो अगर आपके इनपुट्स के कॉस्ट रिड्यूस हो गए तो आपको मेक इन इंडिया में हेल्प मिलेगी। साथियों, स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वो चीज़ें हैं जिस भी देश ने इस पे अपनी महारत हासिल कर ली वो देश इस पूरी शताब्दी पर राज करने वाला है, ये बात तय है। जैसे हम आज से 15 साल पीछे जा कर के देखें तो आईटी सेक्टर की अगर बात होती तो लगता था कि क्या चीज़ है, कैसी चीज़ है। नॉर्मल लोगों में, तब किसी को, बाहर वालों को आप छोड़ दीजिए, हमारे आपके जैसे लोगों में से भी कईयों को नहीं उम्मीद थी कि 2020-22 जब तक आएगा तब तक इंडिया आईटी सेक्टर में वर्ल्ड लीडर होगा। आज आप देखो TCS हो या इंफोसिस जैसी कंपनीज भी इंडिया ने दुनिया को दी, जो कि आईटी सेक्टर में जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। इसी के साथ साथ में करोड़ों की संख्या में जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इंडिया ने पूरी दुनिया को दिए। पूरी चीज़ क्या, पहले उधर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। ये क्या, इस इंडिया को जो है वो भले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या साइबर हो या स्पेस के मामलात हो, इनमें को इंडिया को किसी किस्म की कोई जो है वो चाहे वो हाइड्रोजन में हो, क्लाइमेट में, कुछ हद तक सोलर में, तो सोलर अलायंस जिसे इंडिया लीड करता है। तो इंडिया अब कुछ सालों से कई क्षेत्रों में अब अपना लीडरशिप दिखा रहा है। उस हिसाब से स्पेस या AI में जहाँ पे, या साइबर सिक्योरिटी में जहाँ पे रूल्स ऑफ द गेम्स जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सेट नहीं हुए, वहाँ पे बहुत जगह है इंडिया अपने लाइक माइंडेड पार्टनर्स के साथ आके रूल्स ऑफ द गेम एस्टैब्लिश करेगा। अब इंडिया इम्पोर्ट नहीं करेगा, बस जो है लोकली इंडिया से ही लेगा। अब इसमें ये तो एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है कि धीरे धीरे हम अपनी निर्भरता इम्पोर्ट्स की, ये है कि UK ने अपना सबसे पहला इंडो पैसिफिक में, जिसे हम कहते हैं ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस, वो इंडिया के लिए इशू किया। अब इसका मतलब क्या है? इसका जो मतलब है बहुत ही सिंपल तरीके से ये है कि अब जो जैसे आपकी डिफेंस ट्रांसफर्स होते हैं, प्रोक्योरमेंट होते हैं, वो बहुत आसान हो जाएगा। आपको इतने ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस नहीं लगेंगे। अगर आपको एक एक OGL आपने कर दिया इशू, तो आप 1-2 साल तक, टिपिकली 2 साल तक होता है, आप 2 साल तक एक कंपनी के साथ या एक एक सेक्टर में लगातार आप ट्रेड फ्लो कर सकते। अब जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तब हमें लगता है कि हर चीज़ इंडिया में बहुत ही इनवर्ड लुकिंग, लेकिन ये चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो, लोकल फॉर वोकल हो, मेक इन इंडिया हो, इसका जो इसमें एक इंटरनेशनल एंगल बिल्कुल है। आप कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, उसमें कई इनपुट्स लगते हैं, कई, और जहाँ आप अगर कोई टेक्निकल चीज़ों की बात कर रहे हैं तो ऐसे कई इनपुट्स लगते हैं जो हाई टेक्नोलॉजी होते हैं, या जिसमें जैसे क्रिटिकल मिनरल्स लगते हों, या तमाम ऐसी चीज़ें। तो उन सब में जो है इंडिया काफ़ी हद तक जो है वो कुछ एक्सपोर्ट्स पे निर्भर रखता है। देखेंगे UAE के FTA में जो अभी हुआ, 90% तक जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें टैरिफ्स अब जीरो हो चुके हैं, जिससे कि, और ये दोनों ही कंट्रीज को हेल्प करता है। तो अगर आपके इनपुट्स के कॉस्ट रिड्यूस हो गए तो आपको मेक इन इंडिया में हेल्प मिलेगी, या फिर आपको अगर मार्केट एक्सेस इंक्रीज हो गया तब आपको हेल्प मिलेगी कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये क्या, इस इंडिया को जो है वो भले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या साइबर हो या स्पेस के मामलात हो, इनमें को इंडिया को किसी किस्म की कोई जो है वो ऑटोनॉमी मिल सकेगी क्यों?
मेरे ख्याल में उतने चैलेंज की बात नहीं, बात ये है कि आप जॉइंटली अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ इन सब मुद्दों पर कोलैबोरेट करें। तो जैसे कि आप देख लें, कई लोगों ने लिखा है इंडिया का स्पेस प्रोग्राम कितने कम पैसे में वो लोग कितना सब कुछ कर लेते हैं, और स्पेस एक इमर्जिंग एरिया है जहाँ पे लीडरशिप की बहुत जरूरत है। जैसे आप स्पेस प्रोटोकॉल्स देखेंगे, अब काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं कई हद तक। नई स्पेस प्रोटोकॉल्स लाना, अपने दोस्तों के साथ मिलके लाना, एआई साइबर सिक्योरिटी में नॉर्म्स लाना, क्या एस्केलेशन होता है, क्या एस्केलेशन नहीं होता, ये सब चीज़ें तो मतलब कहीं भी एक काम चल रहा है, लेकिन एक इंटरनेशनल नॉर्म्स जो हैं वो उतने इमर्ज नहीं हो पाए। तो वो एक मुद्दे की बात हो गई। जहाँ तक, और ये सब चीज़ें डिफेंस से भी रिलेटेड हैं, आप चाहे जो कोई इंडस्ट्रियल चीज़ें भी डिफेंस से रिलेटेड होती हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है डिफेंस में, ये शब्द कई और ये दर्जा कई 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 नेशंस के साथ किया है। अच्छा कृति साहब, ये बताइएगा, जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो है एनर्जी का, और जिस तरह इंडिया ने इंटरनेशनल, जिसे आप कह लें कि सोलर अलायंस में काम किया, आप क्या समझती हैं ये जो रिन्यूएबल एनर्जी में क्या इंडिया के पास कितना कुछ स्पेस है और कितनी की जरूरत है इंडिया को, जिसे कहते हैं ना रिन्यूएबल एनर्जी में जाने में, लेके लेके जाने में। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया यूके सस्टेनेबल फाइनेंस फोरम के ऊपर भी डिस्कस हुआ है और क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव भी आए हैं, बल्कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो आप कैसे देखती हैं इस फील्ड में इंडिया जो है वो यूके से क्या ले सकता है? तो मैं वैसे एनर्जी एक्सपर्ट नहीं हूँ और उतने मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन जहाँ तक आप एक स्ट्रेटेजिक एनर्जी नीड्स की आप इंडिया की बात करें, तो वहाँ पे देखिए, एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है इंडिया के लिए वो ये है कि इंडिया अभी नेट इम्पोर्टर है एनर्जी नीड्स के लिए। वो ज़्यादातर ऑयल पे ही अपना रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अभी भी हम लोग ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं। मुझे ये भी लगता है कि इंडिया इन सब मुद्दों पे, क्लाइमेट के मुद्दों पे इसलिए भी ज़्यादा बातचीतें करता है क्योंकि यहाँ पे एक बिल्कुल ही साफ रास्ता है लीडरशिप लेने का। तभी वो हाइड्रोजन टास्क फोर्स की बात हो गई, ये ITER जो बिल्ड कर रहे हैं आर्टिफिशियल सन उसकी बात हो गई, जिसमें काफ़ी वेस्टर्न नेशन साथ में है, सोलर अलायंस की बात हो गई। ये सब एक इंडिया को स्पेस भी देते हैं लीडरशिप लेने का, क्योंकि अब आप ग्रीन फाइनेंस की बात कर रहे थे। साथियों, आज से हम देखें तो 50 साल पहले, 20 साल पहले तक भी ये माना जाता था कि अगर आपको किसी देश को युद्ध में हराना है तो उसके जो एयर बेस हैं वो नष्ट कर दो, वो देश कभी भी युद्ध में जीत ही नहीं सकता। आज के टाइम पे वो चीज़ चेंज हो गई है कि अगर आपने किसी देश के सेटेलाइट जो उड़ रहे हैं हवा में, मतलब आकाश में, उसको तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया, मिसाइल मार के या और किसी अन्य किसी तरीके से भी, किसी भी तरीके से, तो वो देश जो है वो पूरी तरीके से वहीं पर रुक जाएगा, ठप हो जाएगा, क्योंकि सब चीज़ उसी से इंटरकनेक्टेड है, अंदर ही अंदर जुड़ी हुई है। तो अगर सेटेलाइट नहीं है तो कुछ भी नहीं उस देश को उसमें। और जिस तरीके से आप देखो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम और इंडिया का जो इसरो है, इसने जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में महारत हासिल करी है, चाहे आप देखो पहले रिकॉर्ड इंडिया के नाम पर रहा, इसरो के नाम पर रहा सबसे ज़्यादा सेटेलाइट छोड़ने का, भी सबसे बड़ी चीज़ है जिसको आज तक भी दुनिया नहीं मीट कर पाई है, जितने सस्ते में इंडिया ने जो मार्स ऑर्बिटर वाला मिशन भेजा था, उतने सस्ते पे आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं ला पाया। हालांकि हम इलॉन मस्क की स्पेस एक्स को देखें, वो भी इतने कम कॉस्ट पर अपना कोई भी स्पेस प्रोग्राम लॉन्च अब तक नहीं कर पाया है। दूसरी तरफ हम देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बाकी सब कुछ चीज़ों में, ये सब चीज़ें आज भी बहुत से लोगों को सुनने में लगता है कि क्या है ये सब, ये वो फलान ढिकाना, लेकिन आप देखो यही सब चीज़ें 10-15 साल पहले इंटरनेट के लिए भी ऐसे ही थिंकिंग लोगों की हुआ करती थी, ऐसे ही विचार हुआ करते थे कि 15 साल पहले, अभी आप लोग जैसे ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, 15 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हर एक आदमी के एक ही घर में 10-10, 5-5, 6-6 जितने लोग हैं उतने मोबाइल होंगे, सब अपना अलग अलग देखेंगे। उस टाइम पे सोचने में बड़ी अजीब चीज़ें लगती थी, लेकिन आज आप देखो वही हकीकत है। तो इसी हिसाब से बढ़ती दुनिया के साथ में हिंदुस्तान भी अपनी अलग अलग पैंतरे आजमा रहा है बढ़ती दुनिया के साथ में रेस लगाने के लिए। आप भी कह रहे हैं, आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।